सतनाम कर्ता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद महादिवस मुहूर्त भले जिसको नदर करे नानक मंगै दर्शदान कृपा करो हरे नानक मंगै दर्शदान कृपा करो हरे सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो बारह माझ महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद वैसाख तीरन क्यों वांडिया जिन्हा प्रेम बिछो हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो वैसाख तीरन क्यों वांडिया जिन्हा प्रेम बिछो हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो पुत्र कलतर न संग तना हर अविनाशियो पलच पलच सगली मुई झूठै तंदै मोह इकस हर के नाम बिन अगै लई है खो दई विसार विगुचना प्रभ बिन अवर न को प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सो नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त हो वैसाख सुहावा तां लगै जा संत भेटै हर सोए नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त होए वैसाख सुहावा तां लगै जा संत भेटै हर सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपर अपार बख्शिश शाम समय असी सत्संगत दे पल माण रहे हाँ खास करके ये दिन बीते कल खालसा साजना दिवस असी बड़े हर्षोल्लास दे नाल मनाया क्योंकि तवारीखी बचन तवारीखी विचार करदे आ साडे कोल इतना वक्त नहीं सीगा कि असी बारह माह दी रचना खास करके पदा वैसाख तिरन क्यों वांडियां जिन्हां प्रेम बिछो इहदा व्याख्यान करदे
सो अज असीं इस पावन पदे की व्याख्या नाल सांझ पावांगे। शब्द रूप आपने सरवण कर लिया है, विचार जिवें कि आप जिक्र बाणी पढ़ते हो तो बाणी दे विच गुरु महाराज ने मनुखी जीवन दे हर रंग नूं, मनुखी जीवन दे हर पहलू नूं, मनुखी जीवन दी हर लोड़ नूं डायरैक्टली एड्रैस किया है। उदे विच जो साड़ी वे ऑफ लाइफ आ, जीवन जाच आ, जिस किस्म दे नाल साडा सभ्याचार, साडा आला दुआला, जिस तरीके दे नाल साडियां रवायतां, जो भी असी प्राप्त किया उस सब दे विच असी रहिंदे आ, गुरु महाराज उस सारे नूं अध्यात्मिक तल ते स्पिरिचुअल साइड तो मोडिफाई करते ने, उन्होंने तब्दील करते ने। जिहड़ी मनुखी ट्रांसफॉर्मेशन आ, क्योंकि बीते कल जो खालसा साजना दिवस है, जिसनों तुसी तवारीखी रूप में देखो ना, तो इसनों इतिहासकार कहिंदे ने, खास करके यूरोपियन यूरोसेंट्रिक अप्रोच के नाल कहिंदे ने कि गुरु नानक दे दसां जामियां द्वारा सुरजीत किए गए खालसे का मतलब यह सीगा कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुख दे जीवन की समुची तब्दीली, उहदा खाण पाण, रहन सहन, जिउणा विचरना, हर रूप दे विच उहदे च तब्दीली आ जाणी। तो तब्दीली यह ही है कि मनुख अध्यात्मी रूहानी धार्मिक कदरां कीमतां दे उत्ते अपने आप नूं तोरे, उहदे जीवन दे जिउण दे हर ढंग तरीके सलीके दे विच धर्म की आभा होए, अकाल पुरख वाहिगुरू का पै होए, उदा एहसास होए, उदी याद होए, तो उदा क्योंकि खालसे का सीधा संबंध ही अकाल पुरख वाहिगुरू नाल है। आप जिहड़े ग्रीटिंग्स असी शेयर करते हैं वही है कि वाहिगुरू जी का खालसा, खालसा बिलोंगस डायरैक्टली फ्रॉम अकाल पुरख वाहिगुरू जी, उहदे च कोई मीडिएशन नहीं, कुछ नहीं, सो जिहदा सीधा संबंध हो जाए। जे तुसी शब्द कोशां च देखो तो खालसे का मतलब यह हुंदा है वो प्रॉपर्टी जिहड़ी डायरैक्टली जो किंग आ, जो राजा आ, उहदे तो बिलोंग करती है, उहदा कोई जगीरदार, कोई सूबेदार, कोई रस्ते च किसी नाल कोई लागा देगा नहीं हैगा। सो इत्थे सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह, जिहड़ा सर्वोच्च शहनशाह है, शाहां दा शाह, परिपूर्ण शाह, अकाल पुरख, मनुख नूं उहदे नाल जोड़न की बात की जा रही है। तो यह सब तब्दीली तां ही आई क्योंकि साडा समुचा जीवन अध्यात्मी कदरां कीमतां ते पसरिया। इहदे विच पंजाबी जबान, पंजाबी कल्चर, सभ्याचार, रहन सहन, इस सारे दे विच जिहड़ा साडा लोक मुहाज है, लोक काफिया है, लोक मुहावरा है, जिसनों असीं सिंपल वर्ड्स विच फोकलोर कहिंदे आ, इस नूं गुरु साहब ने सीधे तौर पर तब्दील किया। मतलब ये सीधे तौर पर प्रभावित होया गुरु महाराज जी की आमद दे नाल, गुरु पातशाह जी के उस धरती के विचरण दे नाल। जिहदी सब तो वड्डी एग्जाम्पल साडे कोल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने, जिहदे विच गुरु बाबा जी ने बाणी उच्चरित की, बाणी का दर्जा साडे वास्ते मतलब हायर दैन हायर है। तुसीं दुनिया पद्धर ते वेखोगे जिहड़े डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस स्कूल्स हैगे ने, उन्हां कोल स्क्रिप्चर्स ने, राइटिंग्स ने, एंड दे ऑल रिस्पैक्ट देर राइटिंग्स, दे ऑलवेज कोट देर राइटिंग्स, दे ऑलवेज ट्राई टू फॉलो देर टीचिंग्स, देर राइटिंग्स, बट नन ऑफ दैम इज रिस्पैक्टिंग एज वी रिस्पैक्ट गुरु ग्रंथ साहब महाराज। तुसीं देखोगे साडा जिहड़ा साडा वाबस्तगी है गुरु ग्रंथ साहब महाराज के नाल, मतलब तखत ते नूं डिस्पले किया जाता है प्रकाश। फिर साडी गुरुद्वारे दे विच जिवें असीं आमद लैने आ, जोड़े उतारे, हथ सुचे किते, तो सीधे तौर पर मूँह गुरु ग्रंथ साहब वल हुंदा, तो कंप्लीट सरेंडर टू वर दीज दिस राइटिंग। सो एक बड़ा ऐसो जी चीज़ कितें भी जिहड़ी है वो तुहानूं मौजूद नहीं मिलेगी। ईवन बीते दो रोज़ पहला ही मैं एक क्रिश्चन पास्टर दे नाल गल हो रही सी मेरी प्रिजन सैटिंग दे विच, ते वो विसाखी बाबत असीं बात कर रहे सीगे, तो मैनू कह रहा सीगा कहिंदा कि नो डाउट मैं अपनी जिहड़ी साडी अंजील है मैं उहनूं पढ़दा हाँ,
मेरे वास्ते बड़ी रिस्पेक्टेड हो रचना आ सब आ एंड इज काइंड ऑफ वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ परसन टू। तो वह कहता पर जो मैं गुरुद्वारा साहब कभी भी गया वहाँ जो तो मौका बनता जान का वैन आई सी एज यू योर कम्यूनिटी एंड योर पीपल पे रिस्पैक्ट टू गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे सिट सराउंडिंग द स्क्रिप्चर दे रीड द स्क्रिप्चर दे हैव एवरी थिंग एक्चुअली यू कैन सिट और एवरी रिलेशनशिप टूवर्ड देयर स्क्रिप्चर कहता इट इज मार्वलस एक्चुअली इट ऑलवेज insists me to do some kind of hat off matlab jinu se kehne na bhi respect the higher level pay kar dena us qisam di baat kiti gayi so eh cheeza jehdiyan ne eh guru granth sahib maharaj de vich ne jadon guru granth sahib nu assi dekhde ha te aap dekhoge ede vich sara folklore hai punjab da oh folklore hai jis de vich guru sahib ne sampurna tabdili kiti hun vara ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਆ ਇਹਦੇ ਜੇ ਧੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਧੁਰਾ ਵਾਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਹੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਗੈਸਚਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਗਾਵਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਹੇਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟਿਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਲਮਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਤੁਨ ਗਾਵਣੀ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਧੁਨੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਫੋਕ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆਂ ਕੀ ਧੁਨ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸੇ ਕੀ ਧੁਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੌ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਹੈ ਇਨ ਬਿਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਹੈ ਸਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਬਾਰਾਂਵਾਂ ਬਾਰਾਂਵਾਂ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਚੀ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸੀਗੀ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਦੋ ਬਾਰਾਂਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਝ ਦਾ ਤੁਹਾਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਸਿਰਨਾਮਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵਿਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖ ਆਵੇ ਇਸ ਕਰੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਝ ਆ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਦਾ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਆਂ ਧੀਰਨ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸਫੁੱਲ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਂਢੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਾਂਢੀਆਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਤਲਬ ਰਿਚਨਾ ਦੁਆਬ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਚਨਾਹ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਰਿਚਨਾ ਦੁਆਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਛੋਟਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ
बच्चा उस शख्स नूं जानदा नहीं गा, उहदे वास्ते अजनबी है, उहदे वास्ते अननोन आ। तो उसनूं फिर वह कहिंदा कि इहनूं जवाब देवां, तो वह कहिंदा भी ठीक है भाई, इस तरह है कि पिता जी तो घर नहीं है। तो वह कहिंदा कित्थे गए ने हुण, किसे मतलब अजनबी बंदे नूं जिहनूं वह जानदा नहीं गा उसनूं जवाब देण लगा। फिर लफ्ज़ यूज़ करदा है जिओ वांडे गए ने। हुण जिहड़ा वांडा लफ्ज़ आया, वांडे गए ने, तां इहदा मायना की है भी उह घर नगर च नहीं बड़े दूर गए ने किते। सो इहदा मतलब यू कैन नॉट एक्चुअली इनक्वायर एनीथिंग फरदर, दैट मीन वो दूर ने, घर नहीं, नगर ग्रां विच नहीं है। इक्को लफ्ज़ बात मुका दिती। जे वो लक्ष्य शख्स कहे ठीक है, चलो ठीक है, पिता जी तेरे वांडे गए ने, कोई गल नहीं, तो माता तो होनी ही घर, मैं उसनों कुछ गल कहनी है, उसनों आवाज़ मार दो। तो जे माँ भी घर नहीं है तो बच्चा कहेगा माता वो भी वांडी गई है। हुण इत्थे वांडी लफ्ज़ आ गया, पहला वांडे सीगा, हुण वांडी लफ्ज़ आ गया। जदों एक तो वध इस्त्री रूप किते दुराडे ने तो वो वांडियां ने, मतलब दुराडे गई ने। हुण इत्थे बचने आ रहा वैसाख तीरन क्यों, वांडियां जिन्ना प्रेम बिछो, उन्हां नूं धीरज किवें बजे, जो जीवात्मावां जो जीव इस्त्रियां तुरी वांडे गई ने, दूर तुर गई ने अपने घर तो, ते अपना घर की है, जिन्ना प्रेम बिछो, जिन्हां नूं प्रेम तो विछोड़ा पै गया आ। हुण इह मैटाफोरिक वे नाल कही गई गल आ, बड़े ध्यान नाल देखो तुसी, जिहड़ी इह विसाखी दी सारे दी सारी आ खालसा साजना दिवस ते असी तवारीखी रूप देखदे हाँ, इहदे च प्रेम दी सारी कहानी है। इसे करके लफ्ज़ ही उहनां लई प्यारे ने, ते प्रेम, प्रेम दा मायना किसे तो कुछ लैणा खोणा या हक जमाणा नहीं हुंदा। प्रेम लफ्ज़ अपने आप दे विच अर्थ करदा अपने, परे प्लस मैं, जदों बंदे दे विचों मैं दी अनहोंद हो जाए, मेरी लालसा, मेरा लालच, मेरी मंग, मेरियां एक्सपैक्टेशनस, मेरियां विशेज फुलफिल होण, ये प्रेम नहीं गा। प्रेम यह है किसे दे ना अपने आप नूं लिख देना, किसे दे उत्तों न्योछावर कर देना अपने आप नूं। ते जदों प्रेम दा शिखर आउंदा आ, जिवें असी लिटरेचर च पढ़ते हैं, मैं गुरबाणी भी पढ़ते हैं, वो शिखर है जो बिना किसी मंग तो किसी उत्तों अपने आपे नूं कुरबान करना। गुरु महाराज दे सिख गुरु साहब दे अगे एवें अपने आप नूं निछावर करते हैं। पर यह भी निशानी है कि भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे दीपक पावत पतंग प्रीत रीत लग दीप कर महा विपरीत मिले जा रहा है। वो कहते कुछ कभी देखो भंबट का तो दीवे का प्यार बड़ा मसाली प्यार है, मतलब जिहड़ा भवरा जिहनू असीं खास करके परवाना कहिंदे आ भंबट पंजाबी दे विच, वो एक बग कह लो, वो इस तरीके दे नाल जिवें ही रोशनी नूं देखदा है, लाइट नूं देखदा है, उस रोशनी लाइट दे नाल इतना ज़्यादा हिपनोटाइज हो जाता है, उहदे उत्ते अपना आपा न्यौछावर कर लेंगे, परवाह नहीं करता, जाके बलदे हुए दीवे बलदी हुई शमा विच अपने आप नूं पा दिंदा है। किड्डा वड्डा डेडिकेशन है, किन्नी वड्डी समर्पणता है उहदी। तो इहदा मतलब यह है कि उहदे प्यार दी इंतहा है। पर भाई गुरदास जी कहिंदे जिहदे उत्तों कुरबान कर रहा अपना आपा, वो शमा उहदी परवाह ही नहीं करती, वो साड़ के सुआह कर दिंदी उसनों। पर इहदे मुकाबलतन जदों असीं गुरु की बात करते हाँ तो गुरु, गुरु ते प्यार दा मुजस्सम है। जे सिख अपना आपा गुरु तो वारदा है तो गुरु, गुरु सरबंस वार दिंदा है। तुसीं ये देखो ना, ये जिहड़ी रिलेशनशिप आ। इस करके भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे भी दुखदाई प्रीत की प्रतीत कै मरै ना टरै, गुरसिख सुखदाई प्रीत क्यों विसार है, भाई दुखदाई प्रीत क्यों अपनाई जाए, यहो जी प्रतीति क्यों जाया, सुखदाई प्रतीत अपनाओ। जे प्रेम ही करना है समुचे शब्द दे विच, संसार दे जिहड़ा नैरो माइंडड साडी जिहड़ी इंट्रैक्शन ते अट्रैक्शन है टूवर्ड दिस वर्ल्ड टूवर्ड दीज एक्चुअली मटीरियल टूवर्ड द मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप्स, बाबा जी कहिंदे इहदे मुकाबलतन तुसी रब जी ते रबी कदरां कीमतां दे नाल अपने आप नूं क्यों नहीं जोड़दे। इहदे नाल इह नहीं कि संसार खत्म हो जाएगा, तुहाडे रिश्ते नाते खत्म हो जाणगे, बल्कि उहनां च प्योरिटी आएगी, बल्कि उहनां च शुद्धता आएगी, तुसी एक हायर लैवल ते आ जाओगे।
पर जिन्हां दी सोच वांडे बंदा तो नहीं चला गया वांडे, एक्चुअल लैवल ते बंदे दी सोच वांडे चली गई है। जे अज दी दुनिया च आपां इस नूं लैके आईए ना, अज आप देखोगे साडा जिहड़ा कनैक्शन आ गुरु नाल, गुरु साडे वास्ते लिखावट दे रूप विच आउंदा आ, गुरु साडे वास्ते साडियां चल रही सिखी दियां रवायतां दे विच पसरदा आ, गुरु रहनी रहत दे विच आ, एक वे ऑफ लाइफ नूं अडोप्ट करन दे नाल, अपलाई करन दे नाल, उसनू जीवन विच मैनीफेस्ट करन दे नाल गुरु वापरदा आ साडे अंदर। ये सारिया चीज़ां सूखम ने, यह सारिया चीज़ां एक तरह के नाल कह लवो कि इंस्टेंट लैवल ते नहीं नज़र आउंदियां, इनविजिबल ने, पर जिहड़ियां चीज़ां विजिबल हैगियां ने संसार दे विच, माँ बाप ने, भैन भरा ने, दोस्त मित्र ने, फैमिलीज़ ने। अज लोगों की हालत देखो, लोगों की कनैक्टिविटी तो अपने पेरेंट्स नाल नहीं रह गई, अपने भैन भरावां नाल नहीं रह गई। फिर होया की है, सब तो वड्डी चीज़ तो यह है कि लोगों का दिमाग, लोगों की सुरत, लोगों के ख्याल वांडे चले गए ने। किहड़े वांडे चले गए ने? सब तो वड्डा वांडा तो साडे वास्ते साडे डिवाइसिज ने, मतलब बच्चे घरां च ने, जिथे खा रहे ने, जिथे पी रहे ने, जिथे हंडा रहे ने, पा रहे ने, उस चार दवारी उस उन्हां इंडिविजुअल्स नाल कोई वाबस्तगी नहीं उन्हां दी। उन्हां दी वाबस्तगी कादे नाल है? जिस दुनिया चो जी रहे ने, वो सोचते उन्होंने, वो सुपने उते लेंदे ने, वो गल्लां उहदियां करदे ने, सब यही चीज़ है, वांडे चले गए ने। इस करके एक अजीब बेगानगी है, जिहड़ी दुनिया च जी रहे ने वह रीयल नहीं है, जिहड़ी रीयल आ उन्हां वास्ते वो कुछ मीनिंग्स नहीं रखती, मैंटल हैल्थ होर कुछ भी नहीं गई। आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम मच लास्ट मोर दैन 10 ईयर्स, दिस इज़ द मैंटल हैल्थ। पर अनफॉर्चुनेटली मनुख जदों, तो फिर यह भी चीज़ है, ये होर डीप आ जाइए, ये टूल्स माड़े ना, टूल्स बड़े कमाल दे ने। हुण सपोज गल की जाती है गन कंट्रोल की, वैपनस जिहड़े ने वैपन नूं कंट्रोल करन दी गल की जाती है, तो जे असीं खालसा साजना दिवस नूं देखते हैं तो इहदे च ते राइट टू वैपन आ, गुरु साहब शमशीर फड़ाउंदे ने, साडी रहनी रहत दे विच साडे सीने ते गात्रा लटका दिंदे ने, कृपान जिहड़ी है इह मस्ट है साडे वास्ते। हुण इह की गल हो गई? मैनूं याद आ काफ़ी साल पहलां दी गल है, सियाटल USA स्टेट्स दे विच उन्हां दिनां च गन वायलेंस हुई अमेरिका दे विच किसी स्टेट विच, तो उन्हां लोकल अखबार उन्हें कॉल की गुरुद्वारा साहब के किसी प्रबंधक नूं, आई वॉन्ट वेंचर इंटरव्यू एक्चुअली एनी वन फ्रॉम योर गुरुद्वारा साहब। वो कहते फॉर वट टू आस्क सम सोर्ट ऑफ क्वेश्चन अबाउट वैपन बैनिंग, बिकॉज वैपन बैन करने की गल हो रही है, तो तुम ये की तुहाडा की पॉइंट ऑफ व्यू है, ओपीनियन है, क्योंकि बीइंग ए मैंबर ऑफ डेमोग्राफिक सोसाइटी, रैशनलाइज सोसाइटी, पीपल विद कलर, पीपल फ्रॉम मचली एज ए इमीग्रांट, डेफिनेटली ओपीनियन यह होगा भी गन बैन करो, ये नुकसान बड़ा होंगे, क्योंकि साडे लोगों के स्टोरस ने उत्थे इहो जिहा नुकसान अक्सर इहो जिहा साडे लोगों वड्डे लैवल ते झेलना पैंदा। पर नाल ही साडे घर दे विच सानू ते कहा गया भाई साडी ते सिक्खी दा जिहड़ा कि हालांकि वर्ड ते क्रिश्चियनिटी चो आ रहा बैपटिस्ट होना, पर साडे विच है कि सिक्खी दे नाल जिहड़ा एक्चुअल लैवल ते तो कमिटमेंट करना है उहदे विच कृपान तो लाजमी पार्ट आ। तुसीं किवें कह सकते हो कि इहनूं बैन करता जाए? जे वैपन बैन करोगे तो फिर पहला इहनूं भी तो बैन करोगे ना, वैपन इज़ वैपन, इस किस्म की बात होएगी? हर वो सज्जन कहन लगे भी इस तरीके नाल इंटरव्यू लई आ रहा तो की कीता जाए? मैं कहा जी कोई गल नहीं, आउण दिओ, लैट सी। वो गलबात हुई तो वह कहिंदा इस तरीके नाल, मैं कहा बिल्कुल ठीक है, सानू गुरु साहब ने वैपन दिता है, राइट टू वैपन है साडे कोल, पर तैनूं पता प्रैपरेशन किन्नी कराई है, तैयारी किन्नी कराई है? ये पूरी की पूरी तैयारी करा के लिया पिछों, 10 जामे तैयारी की है, फिर जाके। एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड लिटल बिट लैंग्विस्टिक साइड ऑफ आवर कल्चर, बिकॉज ईच एंड एवरी वर्ड रिफ्लेक्ट सम काइंड ऑफ मीनिंग। वैन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट स्वर्ड,
or you can say dagger in your language, we have very different kind of actually words for only this particular actually one article. What are those words? We can say talwar, we can say shamshir, we can say shri sahab, and we also use word kirpan, which has totally different meaning. Jide shabd de akharan de vich do specifically ode andar jo bhav paye ne, kirpa plus aan. Kudrat ne bande nu eh right ditta ya to live with dignity, jehdi self respect ya. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਮਾਨ ਲਈ ਆਪ ਲੜਿਓ. ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ. ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇ. ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਨਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਭਲਾ ਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਇਨਰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ. ਜਿੱਥੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਲਾਲਚ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀਸ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੀਸ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ. ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਂਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਝ. ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਢੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਂਢੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ. ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂਢੇ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਸਾਡੀ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇਨਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਂਗ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ. ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਆਂ. ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਕ ਆ, ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ. ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦਾ ਕਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਟਸ ਕਲਿਕਿੰਗ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਇਸ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਿ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ, ਖਾਏ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਛਤਾਵਾ ਆਏ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਵੇਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਵਟ ਟੂ ਡੂ, ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ. ਅਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਨਿਕ ਆਉਣਾ. ਆਪਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਐਗਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਆ. ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੰਦਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਅਤੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾ ਲਏਗਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਏਗਾ. ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਆ. ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੈਸਾਖ ਧਿਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ. ਕਿਹਾ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ, ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ. ਧੋ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਧੋ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਧੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੰਪਲਸਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ. ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਧੋ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਧੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਆਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਆਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ. ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਬੰਦਾ ਹਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਗੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.
इस चीज च बंदा लगातार तड़प रहा है। क्या लगी माया तो फिर पुत्र कलत्र ना संगत ना हर अविनाशी ओ। बाकी यह भी है, पहली गल तो बात में पा रहा है कि बंदे नू संसारिक जिम्मेवारियां भी कई बारी वह भी भुल जांदियां ने, पर जे कितें थोड़ा बहुता वह याद भी आउंदा तो फिर बंदा बड़ा नैरो माइंडड हो के अपने मुताबक अपने आर परिवार नू चलाना संभालना सब चाहता। एक मोह माया का जाल ही है, क्योंकि जो प्रेम की गल की जा रही है ये सिर्फ देना आ मंगना नहीं। जिन्हें रिलेशनशिप के बड़िया हाई एक्सपैक्टेशन असी रखते हाँ उन्हें कभी ना तो प्यार ही पैदा होंगे तो उन्हें खुशी तो कितों आनी है, क्योंकि वैसाख सुहावा तो लगे सुहावा तो लगेगा ना जदों संत भेटा है हर सोई जो उत्थे बात जाएगी। तो इतने गुरु बाबा जी कहें चाहत तो सुहावनेपन की सी, तुसी होर चीज़ देखो जदों माया की गल की जाती है तो माया नूं तशबीह दी जाती है सप दे नाल। बाणी विच वार वार तुसी देखोगे माया होई नागणी जगत रही लपटाए, जो इसकी सेवा करे तिसी को फिर खाए। या असी बचन पढ़ते हाँ सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा बिशन महादेव छलिया, उन्हूं सरपनी क्या गया सीधा। आप देखो जिहड़ा फीमेल स्नेक आ जिहड़ा फैमिलन जेंडर विच आउंदा आ, जदों वो आंडे दे दिंदी है सरपनी तो फिर वो कितें भी आले दुआले खुराक खाण वास्ते नहीं जाती। उहदा कारण यह है क्योंकि सप बाकी होर चीज़ों के विचों जिवें चूहे खांदा आ बग खांदा आ इहो जिहियां चीज़ां सप ज़्यादा खांदा है, पर सारियां तो वध सप दूसरे खास करके पंछियां दे जानवरां दे आंडे खांदा है, जो कि बहुत ईजी है उहदे वास्ते, वह ईजी टारगेट हुंदा है। उह मतलब जिहड़ा हैगा स्नीक करके उत्थे पहुँच जाता है। तो जिवें कोई जानवर सपोज करो किसी का किसी बर्ड का नैसट हैगा, वो बर्ड माड़ा सज्जे खब्बे होया नहीं, उहने डोल जाके उहदा आंडा तोड़िया आंडा पी गया राइट वे। सो इस तरीके नाल सप ज़्यादा करता है। जिहड़ी सरपणी सारे जानवरां दे आंडे तोड़ तोड़ के खा रही है, जदों उहदे अपने आंडे मतलब वो दे रही है तो उस वक्त तो उन्होंने बड़ा डर आ कि मैं सारिआं दे तोड़ तोड़ के आंडे खाधे ने, कि को मेरे आंडे ना तोड़ दे। एक ये बिल्कुल सीधे तौर पर है, जितना बंदा दूजियां ते जुलम करेगा वो होर जालम बनी जाएगा, क्योंकि उन्हें डर लगेगा भी जे कितने जिन्ना जुलम मैं किया जे कितने दूजा तगड़ा हो गया मेरे तो उदू ज़्यादा करेगा। सो इस तरीके नाल बंदे इस करके जिहड़ा बंदा जालम हो जाता है वो कई बार डर करके होर जुलम करता है। इसे गुरु महाराज ने कहा सीगा जुलम की वृत्ति कोई चंगी वृत्ति नहीं हैगी, जे बंदे कोल ताकत भी आवे ना तो दूजियां ते किसी ते जुलम ना करे, बल्कि सब नू बराबरता दे हकूक च वेखे। खैर हुण इह सरपनी है ये आंडियां दे कुंडल मार के बैठ जाती है, ये जाती नहीं किसी पासे, उहनू हुण भुख भी लगती है खो भी पैंदी है, पर करे की आंडे नहीं छड़ सकती। तो थोड़े समय तो बाद उहदे शरीर की गरमाइश के नाल आंडियां दे विच्चों बच्चे निकलते ने बाहर। हुण जदों बच्चा निकलता आ तो सप जिहड़ा आ वैसे ही बड़ा चंचल आ, बड़ा मतलब ये कुदरती तौर पर धरती उत्ते रेंगदा होया इधर उधर भजदा है। तो सप का बच्चा तो बहुत छोटा जहाँ बहुत ही ज़्यादा उत्ते बड़े उहदा बॉडी जिहड़ी हैगी वह भी बड़ी सिल्की जी हुंदी है, वह निकलदियां नाल राइट वे उहदे कुंडल विच्चों बाहर भजदा है। तो हुण उह जिहड़ी सरपनी है उहदे कोल कोई हत्थ ते है नहीं गे बंदियां तरह पकड़न वाले, ना उहदे कोल कोई दूजे जानवर दे पंजे पहुंचे ने या उस किस्म दे नाल उहदे दंद कम करदे ने, ना उहदे कोल ते कल्ला मूँह ही मूँह है। हुण उह मोस्टली की करदी है उहनां बच्चियां नूं पकड़न की ट्राई करती है, जदों पकड़न की ट्राई करती है तो वह उहनां तो फिर उहदे मूँह तो छुट छुट के भजदे ने, फिर उहनूं गुस्सा भी आ जांदा है। जदों गुस्से च पई हुई अहसास करती है भी हद हो गई, मैं इन्हां वास्ते खुराक खाण भी नहीं गई, मैं इन्हां दी राखी दे भी बैठी हाँ, ये फिर भी मेरे अखे नहीं लगते, फिर अखीर गुस्से च आई हुई अपने बच्चे नूं आप खा जाती है। जिहड़ी तुसीं कई वारी
ये देखते हो ना जिन लोग इन्हें वैसटर्न मुल्कों च कहते हैं ऑनर किलिंग, हालांकि मैं तो उन्होंने डिसऑनर किलिंग कहना कि ऑनर कादा है बच्चे मार देना अपने क्योंकि उन्हें चॉइस वक्री बना ली है। एक्चुअली आही चीज़ है, मोदी इंतहा आ भी इन इस बच्चे बाहर नहीं जान देना क्योंकि मर्जेगा जो बाहर चला गया तो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना, ये रिश्ते टुट जाते हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो ये मोह की निशानी है वड्डे लैवल से। गुरु बाबा जी ने बयान किया पुत्र कलत्तर ना संगत ना हर अविनाशी हो, ये चीज़ा भी ये नाश ना हो जा, इन्हों मैं सदा संभाल सकता सदा कायम रखा। सब कहते कद कभी कोई चीज़ कायम रही है, कभी कोई चीज़ सलामत रही है, रब ते भरोसा रख। उस अविनाशी नाल जुड़ एक ऐसे जीवन के सिमरन की बात ये पाई जा रही है। अगला बचन लिखे है पलच पलच सगली मोई झूठा धंदा है मोह, बाकी सारी दुनिया पलच 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 का मतलब हुंदा है भी सपोज करो किसी ट्रैप फस गए वो चु किसी मुश्किल ना निकले फिर फस गए फिर निकले फिर फस गए, जिमें लोगों बैड हैबिट्स हो जाए ने जिमें लोगों एडिक्शन हो जाता किसी पलच पलच सगली मुई झूठा धंदा है मोह। संसार के झूठे धंधे झूठ के धंधे दे मतलब इतने सिर्फ कम्मा कारा की गल नहीं हो रही, जोड़ा संसार नू चलाण दा साडा तरीका आ जिहड़ी अप्रोच या डीलिंग करन दी संसार दुनिया दे नाल उहदी बात हो रही है। अगला बचन क्या एक सर के नाम बिन अगे लई है खो, ते अखीर हरी नाम तो बिना अकाल पुरख वाहगुरु के सच्चे सुचे एहसास तो बिना हर चीज़ वो साडे तो खुस जाएगी, भाव बंदे वो नाम ही है जिहड़ा तेरा सदीवी साथी है। दई विसार विगुचना प्रभ बिना वरना कोई, दई अकाल पुरख वाहिगुरु उहदा एक लकब है एडजैक्टिव है उहदी रब दी गल हो रही है, उहनूं विसार के विगुच जावांगे बिल्कुल खुआर हो जावांगे, जिहनूं कह लवो कि गुमराह हो जावांगे बिल्कुल, उहदी बात कीती गई। प्रभ बिना वरना कोई तो उत्तों बिना साडा सहारा नहीं, प्रीतम चरणी जो लगे तिन की निर्मल सोए, पिछे सारियां गल्लां कीतियां गईयां उस तरीके नाल भी जिन्हां ने जीवन दे राह नूं छड्ड दित्ता भाई उहनां नूं जीवन विच कोई चंगी गल नहीं कही जा सकती, वह जीवन खुआरी में जाएगा। पर इत साहब कहते जेडे वे चरणान लागे उन्होंने सो निर्मल सोए उन्होंने शोभा पाई निर्मल शोभा आ, बिल्कुल अंतलियां लाइनस ने नानक की प्र बेनती प्र मिलो प्राप्त हो, नानक मेरी बेनती है कि मैनू मिल मेरे नाल तेरी सांझ बने, मेरी सोच सुरत तेरे चरणा च जुड़ जाए, मैं तेरे एहसास जी सकाँ। वैसाख सुहावा तां लगे जां संत पेटा होर सोए, संत ते गुरु का मतलब है वैसाख उन्हां वास्ते सुहावना आ ये मनुखा जीवन जिन्हां ने अपने आप नूं गुरु दे नाल जोड़ लिया गुरु नाल एसोसीएशन बना ली है। सब रहमत करन ऐसे आलमी वाकां चों सानूं चंगेरी प्रेरणा मिले। एक बार फिर वैसाखी दे पुरब की खालसा साजना दिवस की बहुत सारी दिली मुबारकबाद। ये खालसा साजना दिवस समुची मानवता वास्ते सुहावना होए, समुची मानवता दे हिरदे दे विच गुरमत दा प्रकाश करे, सिख हिरदयां दे विच गुरु दे प्रति उहनां दी सांझ आस्था ये प्रज्वलित होए, नाल ही जो किरसानी जीवन लई संघर्ष कर रहे लोग ने उहनां नूं सफलता मिले, उहनां दी चढ़दी कला होए। इत्थे समाप्ति कहना जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।